नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान के बाद तो आरजेडी ने थाली और कटोरा बजा लिया, अपना दम दिखा दिया, लेकिन अब बारी है बीजेपी की। इसको लेकर बीजेपी, बिहार बीजेपी की अगर बात की जाए तो लगातार प्लानिंग की जा रही थी, स्ट्रेटजी बनाई जा रही थी, पूरी तैयारी हो चुकी है। आज ठीक शाम 4 बजे अमित शाह जो हैं वो वर्चुअल रैली करने वाले हैं और तकरीबन 1 लाख जनता से वो सीधे संवाद करने वाले हैं। ये रैली वर्चुअल जरूर है लेकिन हर चीज़ें आपको एक्चुअल दिखेंगी, पूरी तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि ये सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए यहाँ पर उजला घेरा लगाया गया है। बाहर से ही ये घेरे की शुरुआत होती है, गेट के बाहर से ही घेरे की शुरुआत होती है और ये एक कतार में ये घेरा आपको दिख जाएगा, लंबी कतार में, जहाँ पर वो हॉल बनाया गया है जहाँ से संवाद किया जाएगा उस हॉल तक ये कतार आपको दिख गई है। इसके साथ ही सैनिटाइजेशन का भी काम किया जा रहा है, सभी जगहों को सैनिटाइज किया जा रहा है क्योंकि एमएचए का जो गाइडलाइन है और खासकर कोरोना का जो संकट है इस वक्त, उन सभी को देखते हुए सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके साथ ही बीजेपी कार्यालय बाहर से लेकर अंदर तक आपको पोस्टर से पटा हुआ नजर आएगा, सभी तरफ आपको बड़ी से बड़ी पोस्टर्स नजर आ रही हैं। सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री का फोटो है, उधर भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल उनकी तस्वीर लगी है, वहीं जेपी नड्डा की तस्वीर भी आपको सामने नज़र आ रही है और ये पूरा पोस्टर जो है आप देख पा रहे हैं, बिहार जनसंवाद, आज जनसंवाद होना है। अमित शाह जो है वो आज गरजेंगे और अपनी जो भी उपलब्धियां हैं 6 साल के दौरान बीजेपी ने जो कुछ किया है आज एक एक चीज़ को जनता के समक्ष रखा जाएगा, जनता को भरोसा दिलाया जाएगा और अपनी सभी प्लानिंग को भी शेयर किया जाएगा। तो जब से बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज़ हुआ है और कुछ ही महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद से ये तैयारियाँ जो है वो ज़ोरों पर है। एक तरफ जहाँ नेता प्रतिपक्ष विरोध में आज थाली और कटोरा बजवाएं, वहीं दूसरी तरफ अब बारी बीजेपी की है। बिहार बीजेपी ने पूरी प्लानिंग कर ली और आज शाम को 4 बजे सभी से जनसंवाद करेंगे केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह। और आप देखिए सीधे तौर पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, अमित शाह, जेपी नड्डा और संजय जायसवाल, इधर आपको नरेंद्र मोदी और संजय जायसवाल, तो ये पोस्टर से पूरा जो बीजेपी कार्यालय है वो पटा हुआ है, बड़े से बड़े पोस्टर्स चारों तरफ लगाए गए हैं, सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है, तैयारियां अभी भी हो रही है, अभी भी पोस्टर्स कुछ बनाए जा रहे हैं और इसके साथ ही जो तैयारी है वो आप साफ तौर पर देख पाएंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि कहां से बैठकर ये पूरा जनसंवाद होने वाला है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक्चुअली ये सेक्शन है जहाँ से बैठ कर ये पूरा जनसंवाद किया जाएगा। यहाँ की भी तैयारी देखिए, सबको सैनिटाइज किया जा चुका है, अभी भी सैनिटाइजेशन का काम बाहर से चल रहा है। इसके साथ ही सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किए हुए हैं और ये जो मीटिंग हॉल है इस मीटिंग हॉल में ही ये जनसंवाद का जो जनसंवाद किया जाएगा वो यहाँ से ही होगा। तो आप यहाँ की तस्वीरें भी देखिए कि किस तरह से पूरी व्यवस्था की गई है, यहाँ भी पोस्टर्स सारे तरफ आपको दिख जाएंगे। ये स्टेज होगा क्योंकि हमने आपको पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि यहाँ पर जो रैली है वर्चुअल वो एक्चुअल रैली की तरफ नज़र आने वाली है। आप मंच पर तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से बिल्कुल एक्चुअल जो रैली होती है, एक्चुअल जो संवाद होता है वो आपको सीधे नजर आएगा। आपने एक तरफ देखा कि ऐसे चेयर्स जो हैं वो लगाए गए थे, प्रेस के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और साफ तौर पर अगर ये देखा जाए कि जो रियलिटी होती है एक्चुअल रैली में, जिस तरह से नेता स्टेज से संबोधित करते हैं और तमाम ऑडियंस जो हैं वो सामने बैठे होते हैं, कुछ उस तरह ही नज़ारा इस वर्चुअल रैली में भी देखने को मिलेगा। तो ये जो सेक्शन बनाया गया है मीटिंग हॉल, यहाँ पर जो नेता हैं वो बैठेंगे बिहार बीजेपी के और यहाँ से सारा कंट्रोल किया जाएगा। तो आप एक तरह से इसको कंट्रोल रूम के तौर पर देख सकते हैं। बिहार बीजेपी के कार्यालय की तस्वीरें हैं, सभी ओर एक भव्य आयोजन किया गया है, सभी ओर आपको झंडे दिख रहे हैं बिहार बीजेपी का, इसके साथ ही सभी पोस्टर्स लगाए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो किया जा रहा है और बस अब इंतज़ार किया जा रहा है तो शाम 4 बजे का, क्योंकि शाम 4 बजे ये जनसंवाद शुरू होने वाला है, तब अमित शाह गरजने वाले हैं और जनता को संबोधित करने वाले हैं। तो वो तैयारियां जो है वो पूरी हो गई है और अब इंतज़ार की घड़ी है, तो
ठीक शाम 4 बजे की। तो इस वक्त बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी तैयारी कर ली गई है। अभी जो मीटिंग हॉल है वहाँ पर कुछ तैयारियाँ हो रही हैं, चेकिंग हो रहा है, चेक किया जा रहा है कि जो आवाज़ है वो क्लियर होनी चाहिए। जो डिजिटल मीडियम सब जगह बनाया गया है, लोकल जितने भी चैनल है वहाँ पर इसका प्रसारण होगा, टेलीकास्ट किया जाएगा, वो सब चेकिंग हो रही है। बाकी अगर तैयारियों की बात की जाए सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए, MHA का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करने के लिए, बाकी जो भी तैयारियां हैं वो हो गई है। और इस वक्त बीजेपी कार्यालय का ये नज़ारा है। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।